फाइनली Oneplus Nord CE 5G is here guys. फाइनली Amazon के फर्स्ट लैंडिंग पेज पे Oneplus का लेटेस्ट बजट किलर स्मार्टफोन ऑफिशियली लिस्टेड हो चुका है Oneplus Nord CE 5G. अब इस फोन के बारे में बहुत सारे न्यू कन्फर्म स्पैक्स प्राइसिंग और इंडिया रिलीज डेट कन्फर्म हो चुका है. जैसे कि अगर आप लोग एप्लीकेशन अभी तक खोले नहीं हो Amazon का तो आप लोगों को रिलीज डेट पता नहीं होगा, पर मैं आप लोगों को बताता हूँ. यहाँ पर ये स्मार्टफोन ना ऑफिशियली इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है 10th जून को. मतलब इस फोन का रिलीज डेट बहुत ही सामने आ चुका है, पर Amazon के ऐप पे ना कन्फर्म स्पेक्स रिवील नहीं किया गया है. इसलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए अगर आप लोग जानना चाहते हो Oneplus Nord CE 5G के बारे में, क्या स्पेक्स इस फोन के अंदर मिलेगा, किस प्राइस पॉइंट पे इंडिया के अंदर ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा, और जैसे कि रिलीज डेट पता चल ही गया है, ये स्मार्टफोन रियली में बजट के लिए स्मार्टफोन होने वाला है. विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप इनटू द वीडियो. स्टार्ट करते हैं Oneplus Nord CE 5G स्मार्टफोन के कन्फर्म स्पेक्स से. अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि Oneplus Nord CE 5G के अंदर कौन सा चिपसेट मिलेगा. ऐसे तो हिंट दे दिया गया कि 5G स्मार्टफोन है, पर यहाँ पे चिपसेट कन्फर्म नहीं होगा आप लोगों के माइंड में. तो यहाँ पे ऑफिशियली कन्फर्म है कि ये स्मार्टफोन एक बजट के लिए स्मार्टफोन होने वाला है, इसलिए इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन का चिपसेट नहीं मिलेगा. यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा मीडिया टेक का डायमेंसिटी 1200 चिपसेट, जो एक अमेजिंग चिपसेट है मिड रेंज सेगमेंट के प्राइस पॉइंट पे, प्लस 12 5G कनेक्टिविटी. इसलिए ये स्मार्टफोन एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है. प्लस यहाँ पे 2.4 GHz का क्लॉक स्पीड मिलेगा. तो अगर आप लोग गेमर हो तो आप लोगों के लिए ये स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है. और इस फोन के ना हम लोग और की फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे हाईएस्ट क्लॉक स्पीड मिल रहा है 2.4 GHz का, और जैसे कि इस फोन के अंदर रीड और राइटिंग स्पीड भी अच्छा मिलेगा, तो काफी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है. कैमरे के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे रियर में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो बहुत ही अमेजिंग कैमरा सेटअप होने वाला है. प्लस यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का हैसल ब्लेड्स का सेंसर मिलेगा इस फोन के अंदर, जो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है. और ये स्मार्टफोन भी एक कैमरा बीस्ट स्मार्टफोन होगा. तो अगर आप लोगों को कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोगों के लिए Oneplus Nord CE 5G बेस्ट होने वाला है. प्लस यहाँ पे सेकेंड सेंसर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, प्लस थर्ड सेंसर टेलीफोटो लेंस, प्लस फोर्थ सेंसर मिलेगा डेप्थ सेंसिंग डेडिकेटेड. फ्रंट सेल्फी कैमरे के बारे में बात करते हैं, फ्रंट में मिलेगा 44 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे या फिर 32 मेगापिक्सल. जितना मेरे को लगता है कि इस फोन के अंदर 32 मेगापिक्सल सेल्फी ही मिलेगा, क्योंकि ये रेडमी का फ़ोन नहीं है, इसलिए इस फोन के अंदर 44 मेगापिक्सल कैमरा नहीं मिल रहा. पर यहाँ पे ना ये स्मार्टफोन एक बीस्ट होने वाला है. डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले इस फोन के अंदर 120 हर्ट्ज़ का मिलेगा विथ ऑयलेट पैनल. मेरे को यार डाउट था कि इस फोन के अंदर IPS LCD पैनल मिलेगा, पर अभी कंफर्म है कि इस फोन के अंदर ऑयलेट पैनल मिलेगा. सुपर एमोलेट का पैनल मिलेगा, मतलब यहाँ पे 6.6 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, एक सिंगल पंच होल टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर. और यार डिस्प्ले बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, हाईएस्ट स्मूथ रिफ्रेश रेट जैसे कि मिल रहा 120 हर्ट्ज़. प्लस यार यहाँ पे ना हम लोग कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा. डिस्प्ले यार बहुत ही अमेजिंग होने वाला है इस फोन का रियली. बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में बात करते हैं गाइज, यहाँ पे 4500 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा विथ 65 वॉट फास्ट चार्जिंग या फिर 67 वॉट. अब देखते हैं यार इस फोन के अंदर 4500 mAh का बैटरी ही मिलता है या फिर 5000 mAh तक का बैटरी मिल सकता है. मतलब यहाँ पे अभी एक्सपेक्टेड है 4500, देखते हैं इन दी फ्यूचर क्या बैटरी मिलता है इस फोन के अंदर. अभी तो बहुत सारे लीक्स आएंगे इस फोन के रिलेटेड, दैट्स वाई सब्सक्राइब कर लीजिए आप भी. प्राइसिंग एंड इंडिया रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं. जैसे कि यार आप लोगों के मन में ये भी डाउट होगा कि ये स्मार्टफोन क्या मिड रेंज सेगमेंट के प्राइस पॉइंट पे आएगा या फिर अपर मिड रेंज, तो यहाँ पे ऑफिशियली कंफर्म है कि यहाँ पे ये स्मार्टफोन ना मिड रेंज सेगमेंट के प्राइस पॉइंट पे ही आने वाला है. क्योंकि यार Oneplus Nord सीरीज का ये स्मार्टफोन है, तो समझ जाओ यार ये स्मार्टफोन ना बजट के लिए स्मार्टफोन होने वाला है. स्पेक्स के अकॉर्डिंग यार 20,000 का प्राइस पॉइंट बेस्ट है इस फोन का. इस फोन का प्राइसिंग इंडिया के अंदर 20,000 तक के प्राइस पॉइंट पे होगा. इंडिया रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं, तो ये स्मार्टफोन ऑफिशियली 10th जून को ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है. तो अगर आप लोग वेट कर रहे थे ना कोई फोन के लिए, तो आप लोगों के लिए एक और Oneplus की तरफ से न्यू स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर, जैसे कि Oneplus Nord CE 5G. दैट्स इट फॉर इन दिस वीडियो. अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो, तो आप समझ के क्या करना है, आप लोग लाइक कर दो पहले इस वीडियो को, शेयर भी कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो. मोर अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब नाउ. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में.